राजनांदगांव जिले में कांग्रेस के द्वारा सोमवार को बिजली कटौती को लेकर बिजली ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली कटौती ज्यादा बढ़ गई है और हर जगह लोग बिजली कटौती से परेशान हो गए हैं, चाहे ग्रामीण हो या शहर, सब जगह लोग बिजली से बहुत परेशान हैं। तो वहीं शहर अध्यक्ष का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी लोगों को बिजली के लिए इतना रोना नहीं पड़ता था, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बैठी है तब से पूरे प्रदेश में बिजली कटौती हो गई है और लोग काफी परेशान हो गए हैं। इसके तहत ही कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अगर जल्द बिजली कटौती नहीं सुधरी तो कांग्रेस वार्ड वार्ड जाकर प्रदर्शन करेगी। राजनांदगांव से निमेश कुमार की रिपोर्ट। आज का धरना विद्युत विभाग के सामने राजनांदगांव शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर है। अभी राजनांदगांव में जब से देख रहे हैं हम, भाजपा सरकार आई है तब से कभी भी किसी भी समय, दिन हो या रात हो, कभी भी दो बिना जानकारी दिए, चाहे दो घंटे, चाहे चार घंटे, आठ घंटे, कई बार तो दो दो चार चार दिन तक के बिजली बंद कर दिया जाता है। और जब भी पूछा जाता है अभी आ रहे हैं आदमी, अभी आ रहे हैं ठीक करने, तो जनता त्रस्त हो चुकी है। इतनी भीषण गर्मी है, लोगों को अभी अपने अपने कार्य रहते हैं, उद्योगपति है, मजदूर है, श्रमिक है, और गर्मी में निश्चित रूप से बिजली की आवश्यकता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और साथ में उद्योग वाले हैं, सब लोग परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस ने पहले भी जैसी सरकार भाजपा की आई है तब से बिजली बंद होना शुरू हुई है। कांग्रेस, हम लोगों ने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के निर्देश पर 2 माह पूर्व भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, पर आज तक के डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिजली व्यवस्था देने में, ठीक से सहयोग करने में असफल रहे हैं।